हरियाणा में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें जितना नजदीक आती जा रही हैं, उतना ही मंथन भी गहन होता जा रहा है। किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है, उस पर सभी दलों का मंथन जारी है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस ने 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया। 3 दिन तक चली बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया समेत प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे। इस बैठक में सभी नामों पर मंथन किया गया। कांग्रेस का टिकटों पर मंथन पूरा हो चुका है। 3 दिन तक चली इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। शनिवार को कांग्रेस फाइनल लिस्ट बनाकर पैनल के लिए भेज देगी। ये जानकारी खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने दी। आज पूरी चर्चा हो गई है, सहमति का सवाल नहीं है। पैनल्स बने हुए हैं, कल जो है उसको फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे और फाइनल रिकमेंडेशन देंगे। टोटल जो है मैंने आज जो है अनदर 40 सीट्स, 40 सीट आज, यानी कि टोटल पूरा आज खत्म हो गया। प्रिलिमिनरी डिस्कशन आज खत्म हो गया, पेंडिंग सीटें नहीं। आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ, कल फाइनल डिस्कशन करके पैनल जो यानी कि फाइनल रिकमेंडेशन का ड्राफ्ट बना दिया जाएगा। कल भी मैं स्पष्टता कर चुका हूँ, आवश्यकता के अनुसार सिंगल भी हो सकता है, कई जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कांग्रेस शनिवार को एक फाइनल मंथन उम्मीदवारों के नामों पर करके पैनल को फाइनल नाम भेज दिए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस की बैठक में किसी भी सांसद का विधानसभा का टिकट देने से इनकार किया गया था। जो भी सांसद कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा, उसको पार्टी हाईकमान से इजाजत भी लेनी होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस चुनाव में बिना सेनापति के मैदान में उतरेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी को भी सीएम पेश घोषित नहीं करेगी। बिना सीएम पेश के ही कांग्रेस इस चुनाव की रेस में अपना दांव खेलेगी। Of the national 7th September. We are fully prepared for any date, any time, any के लिए हम तैयार हैं। हमने नहीं किया और हम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है। आपको सही समय पर उचित समय पर पता है। मैं समझ रहा हूँ कि जो इट इज अ रिफ्लेक्शन जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पर इसी प्रकार की उससे आपका एक मैसेज देते हैं। कांग्रेस इज प्रिपेयर फॉर और पूरा सीरियसली लेते हैं। पूरी जो है एक जैसे कहते हैं एक वन टू वन जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सीएसी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कांग्रेस की ओर से साफ किया गया कि आवश्यकता के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। एक साथ भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है और हिस्सों में भी। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को कहां से चुनावी रेस में उतारती है। दिल्ली से विनर सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें जितना नजदीक आती जा रही हैं, उतना ही मंथन भी गहन होता जा रहा है। किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है, उस पर सभी दलों का मंथन जारी है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस ने 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया। 3 दिन तक चली बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया समेत प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे। इस बैठक में सभी नामों पर मंथन किया गया। कांग्रेस का टिकटों पर मंथन पूरा हो चुका है। 3 दिन तक चली इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। शनिवार को कांग्रेस फाइनल लिस्ट बनाकर पैनल के लिए भेज देगी। ये जानकारी खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने दी। आज पूरी चर्चा हो गई है, सहमति का सवाल नहीं है। पैनल्स बने हुए हैं, कल जो है उसको फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे और फाइनल रिकमेंडेशन देंगे। टोटल जो है मैंने आज जो है अनदर 40 सीट्स, 40 सीट आज, यानी कि टोटल पूरा आज खत्म हो गया। प्रिलिमिनरी डिस्कशन आज खत्म हो गया, पेंडिंग सीटें नहीं। आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ, कल फाइनल डिस्कशन करके पैनल जो यानी कि फाइनल रिकमेंडेशन का ड्राफ्ट बना दिया जाएगा। कल भी मैं स्पष्टता कर चुका हूँ, आवश्यकता के अनुसार सिंगल भी हो सकता है, कई जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कांग्रेस शनिवार को एक फाइनल मंथन उम्मीदवारों के नामों पर करके पैनल को फाइनल नाम भेज दिए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस की बैठक में किसी भी सांसद का विधानसभा का टिकट देने से इनकार किया गया था। जो भी सांसद कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा, उसको पार्टी हाईकमान से इजाजत भी लेनी होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस चुनाव में बिना सेनापति के मैदान में उतरेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी को भी सीएम पेश घोषित नहीं करेगी। बिना सीएम पेश के ही कांग्रेस इस चुनाव की रेस में अपना दांव खेलेगी।
of the next 2nd September. We are fully prepared for any date, any time, any इसके लिए हम तैयार हैं। हमने नहीं किया और हम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग आपको सही समय पर उचित समय पर बताया। मैं समझ रहा हूँ कि जो एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार की उससे आपका एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर और पूरा सीरियसली लेते हैं पूरी जो है एक जैसे कहते हैं एक जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सीएसी की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें हरियाणा कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कांग्रेस की ओर से साफ किया गया कि आवश्यकता के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। एक साथ भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है और हिस्सों में भी। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को कहां से चुनावी रेस में उतारती है। दिल्ली से विनर सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।